दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेनोमोन पार्ट 3 में, और ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग मेनोमोन को आगे प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात मैं सबसे पहले ही बता दूं कि आपको मंडे टू फ्राइडे गेमिंग वीडियोस मिल जाएंगे। गेम जोन जो चल रहा है अपना, उसमें मंडे टू फ्राइडे गेमिंग वीडियोस मिलेंगे डेली, और सैटरडे एंड संडे मिलेंगे आपको सी प्रोग्रामिंग और HTML के वीडियोस। तो दोस्तों अब से मेरा शेड्यूल पूरा चेंज, मतलब पूरा हो गया है फिक्स, और एंड्रॉयड और टेक न्यूज़ के एपिसोड मंडे टू फ्राइडे के बीच ही आपको मिल जाएंगे। तो उस दिन आपको दो वीडियोस मिलेंगे टेक विद आर्यन पे। तो दोस्तों अब मेरे चैनल पे कंटेंट्स बढ़ने वाला है बहुत सारा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग जो मेनोमोन को प्ले कर रहे हैं, तो मैं पूरा ऑन रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी मैं कोई भी स्टेप रिकॉर्डिंग को पॉज करके करूँगा तो उस टाइम मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी आगे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी हम लोगों के पास चॉइस है 158 मेनोमोन, जिसमें से हमें अपनी 6 मेनोमोन की टीम बनानी है, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से हम लोगों ने एक भी मेनोमोन अभी अपना लिया नहीं है, ठीक है। अभी 6 की टीम में जो भी अपने पास मेनोमोन है, बस ये कुछ टाइम पहले मैं बाद में ट्रांसपोर्टर में रखने वाला हूँ, तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो 6 मेनोमोन से मेनोमोन में हम लोग जब लेंगे तो पूरा स्टेप आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए कोई भी गेम को आगे मतलब खुद ही खेल सकते हो आप, बट मेरी चैनल के साथ भी रहना ताकि आप लोग को पूरा नॉलेज मिले, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मेनोमोन खेल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले मेनोमोन को लोड कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने माना होटल में पॉज किया था, तो हील कर गया, और कुछ मेनोमोन को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। चलिए बैक चलते हैं, और इस टाइम हम लोग कोई और एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस मैं एमिका टाउन में हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से पहले राइट की तरफ गया था, अब लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं देखते हैं क्या आता है लेफ्ट की तरफ। When you're done exploring and after you deal up with the hotel and buy some items at the marketplace, the woods is probably where you'll want to go. Okay guys, एमिका वुड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जहाँ इसके थ्रू हम लोग हेजलडेल में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग का पहला स्टेडियम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हेजलडेल में जाएंगे, हेजलडेल सिटी जाम की जगह है एमिका वुड के थ्रू। तो यहाँ पर लेफ्ट तरफ एमिका वुड से एमिका टाउन के, तो मैं इसके करके वहाँ पर जाऊँगा। ओके गाइस, ये फॉरेस्ट से आया हुआ कोई मैन है। Who are you? I asked, mildly curious. My name's Officer Dale Rask, the man replied. I was over in Dazzledale City checking out a recent theft. Someone stole a bell from a bell tower. Oh, why would someone steal a bell? I asked. Find it. Nobody knows. That's what makes this case odd, Officer Rask. Anyway, sorry for wasting your time. I'll let you get on your way. Okay, guys, मैंने कुछ देर के लिए इसका accept किया। अब सुनिए मेरी बात। अब इस adventure में, guys, एक और adventure start हुआ है। मैं इस adventure के बारे में जानता हूँ, बट मैं आप सबको सरप्राइज के मतलब एक सस्पेंस के तौर पे आपको समझ में आएगा पूरा एडवेंचर। और जब ये एडवेंचर ख़त्म होगा, इस एडवेंचर का भी एक एडवेंचर स्टार्ट हुआ इसके अंदर भी, तो वो जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं पूरा आपको स्टोरी के साथ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं बता दूंगा तो आपको वो मज़ा रहेगा नहीं, जो एक पहली बार खेलने के टाइम जब आपको जो मज़ा आएगा वो मज़ा अब नहीं रहेगा। लेकिन अब इतना जान लीजिए कि एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। इस मेन से हम लोगों ने बात की, ये एडवेंचर का पहला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर किसी ने बेल चोरी कर ली है, बेल टावर, जो कि बेल टावर है हेजलडेल में, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे ज़रूर। तो चलिए मैं चलता हूँ, ये एरिया है। वाह, कितना खूबसूरत म्यूज़िक है ना दोस्तों। यहाँ से लेफ्ट की तरफ एक चेस्ट है, तो उसको ले लेता हूँ पहले मैं, इसमें कुछ होगा शायद। पैरालिसिस वैक्सीन हमें मिल चुकी है, अब आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेनी है, यहाँ पे एक और चेस्ट है। स्मेलिंग सॉल्स, ये भी मुझे बहुत ही हेल्पफुल होने वाली चीज़ है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, हम लोगों ने कैप्चर किया है कि नहीं किया है वर्मर को। ओके, हम लोगों ने कैप्चर किया, तो इसको खत्म कर दूंगा मैं। चल भाग, कोई बात नहीं। 42 एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं।
Select an option, party. Give me a party, a quap. A quap is level 10, L. A quap has 10, 18 experience points and needs 48 experience to reach level 11. Ab level 11 ke liye 48 experience points hi chahiye. Quap ko to ek battle mein aa jayenge, wo to khair. To, yahan par ek aur chest hai. Aaryan found the skill ring. Aaryan's skill ring hum logo ko mil gayi. यहाँ पर एक और टेमर है गाइस, मैं अब बेकरों से आया हूँ, ठीक है? ये एरिया आपको खुद से एक्सप्लोर करना है थोड़ी देर, तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर गेम को सेव करूँगा। Then now. Did you know that when manamon reach a certain level or are exposed to a certain item, they will transform into an entirely new species? Okay guys, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई manamon है, वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर कुछ ही देर में अपना एक ऑफ भी होने वाला है, जब होगा तब मैं समझा दूंगा। और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक और बहुत सारे वेज भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसने भी वर्मर को भेजा, कोई बात नहीं। ये देखते हैं। यहाँ पे एक वाफ जो है अपना वो इंक्लूज जो अपना एक ऑफ है वो इंक्रीज हो गया है लेवल 11 में। लॉबी लाल भेजा इसने, क्या है पता नहीं। लॉबी ला है और गाइस ओह गॉड, ये स्टील नाम का मूव है, थिकन आई थिंक, ये स्टील टाइप मूव है थिकन। इसने इसको यूज करके अपनी डिफेंस को बढ़ा लिया है, पता नहीं कहां कहां से ऐसे मूव बनाते हैं। कोई बात नहीं, 30% हेल्थ है। खत्म कर दिया मैंने इसको। हाँ तो तेरे ट्रांसफॉर्म क्रीचर की क्या, मैं क्रीचर की आरती उतारू। ओह कौन, ये मैंने वो हमें चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसको कैप्चर नहीं किया है। देख लेते हैं कितनी हेल्थ है इसका कौन के पास। Oh, 58 crap. Oh, wow. Still use kar liya, mujhe damage nahi diya. Acha, good man hua. Manamon 3 hai mere paas. Use kar liya. Okay, capture kar liya Kakon ko. Are you the capture of the hero Kakon? Insect type है ये। When it feels threatened, it releases an unpleasant smelling gas which is largely harmless. It is designed to scare enemies away and it usually works. It is not known for having a variety of attacks at its disposal due to its limited movement. It continuously grows throughout its existence and dies when it reaches a certain size. Something odd is said to happen at this point. Do you want the nick? No. Oh guys, मैं अब एमी का टाउन में फिर से जाऊंगा क्योंकि मुझे ये manamon को फिर से रीहील करना है एंड मुझे कुछ नेट्स परचेस करनी है, ठीक है? All manamon have been completely healed. Okay. Select an option. Our infinite map save game. Game select an option. एक हैबिट रखिए गाइस, जब आप अपनी manamon को हील करते हो या फिर और भी यूज करके हेल्थ देते हो, तब आपको अपने manamon को जो है एक सॉरी अपनी गेम को जो एक बार सेव कर लेना चाहिए, ठीक है? मार्केट प्लेस में मैं आ गया हूँ। Hi there, how can I help? Select the herb, 300 gold. Man, it's 1,000. How many would you like to buy? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 500 gold. ओके okay. और कभी अगर कुछ परचेज भी करते हो तब भी आपको सेव कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2384 गोल्ड है यानी 2300 गोल्ड है, तो अब मैं फिर से वहाँ पर जाऊँगा एमिका वुड्स में। ओके गाइस, ये एरिया एक्सप्लोर कर चुका। अब डाउन एरो से आपको जाना है, पहले थोड़ा लेफ्ट जाना है फिर डाउन एरो से जाना है, आपको वे मिल जाएगा। अब फिर अब राइट एरो से जाना है, ठीक है? डाउन एरो के बाद जब वॉल आ जाए तब राइट एरो से। क्या हमने मर्किट को कैप्चर किया है? ओके कैप्चर कर चुके हैं। ओके चलो हट जाओ मेरे रास्ते से भैया। Aquaf, guys, इसको कितने पॉइंट चाहिए ये हम लोग चेक कर लेते हैं। Aquaf is level 11, L. A crap.
ओके लेवल 12 के लिए इसको 132 पॉइंट्स चाहिए तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ डानेरों के बाद आई नीड वन हेलो क्योंकि हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया है ओ क्रैप ओके गाइस ये एक ग्रास स्टार्ट हो गया है लेकिन यहाँ पर सारे ये ट्री है ठीक है ऐसे देखिए आवाज ट्रीज की है इट्स एन ऑर्डिनरी ट्री ओके इसके बीच हमें कुछ मिलेगा मेरे हिसाब से लेट्स एक्सप्लोर ओके गाइस वी गॉट अप द रिवाइव ओके थैंक यू सो मच ट्रीज यू आर वेरी काइंड अब गाइस जब मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा था तब मुझे ये चीज़ मिली है ठीक है यह ग्रास कट हुए बट मुझे ये ग्रास से हमें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है मुझे ग्रास से बैक जाना होगा यानी कि ये कॉन्क्रीट जैसी चीज़ है उस पर आना है ठीक है ये ग्रास वाला जो वे है यहाँ पर आप आ ज़रूर जाओगे लेफ्ट प्रेस कर जाओगे बट ये ग्रास में आपको नहीं जाना है यहाँ पर थोड़ा रुकना है मतलब इस तरफ आना है ठीक है We have a wormhole, so I'm going to destroy it. Oh god. Okay guys, तो यहाँ पर उससे पहले एक रास्ता मिलेगा आपको ग्रास खत्म होने से ग्रास जैसे स्टार्ट होगी उससे पहले आपको ऑपर ऑपरेस करना है जिससे यह रास्ता मिलेगा जहाँ पे ये टेमर है अब एक और हैबिट कि जब आप गेम खेल रहे हो जब कोई टेमर आने वाला है तो उससे पहले एक बार सेव कर लीजिए ठीक है हाँ ये तो मुझे पता है सिक्स ही रहेंगे इसने वर्मर को भेज दिया कोई बात नहीं आने दो खत्म तुम्हारा वर्मर अब गाइस आपको मैंने मैनामोन सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताया ठीक है देखिए ये स्क्रीन पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैनामोन है तो ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पहले तो किसी भी मैनामोन का नाम बोलेगा वो और उसके बाद आपको यस या नो देना है ठीक है अब यहाँ पर अगर यस देते हो तो आपको अपनी पार्टी में से कोई मैनामोन सिलेक्ट करना होगा मेरे पास एक्वाकॉन दो है ठीक है कैंसिल कर दूंगा मैं क्योंकि ककोन फाइटिंग के लिए नहीं है मेरे पास ये रहा मेरा अक्वा ओह क्रैप खत्म हो गया ये ओह इसने ककोन ही भेज दिया कोई बात नहीं मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा ये अटैक मिस हो गया मुझे मिले हैं क्या बात है सेव गेम अब आगे जाना है यहाँ से आपको इस मैनामोन को इस बंदे को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया अब इसकी कोई जरूरत नहीं अब आगे जाने के बाद एक वॉल मिलेगा उसके इस वॉल से आपको लेफ्ट की तरफ आना है ठीक है यहाँ पर देखिए ये कोर है इसने भी मार्केट भेज दिया कोई बात नहीं ये है हेलो क्रैप इससे ये कंफ्यूज यूज किया आपके पास अब गाइस यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ आती है टोटल क्योर नाम की एक चीज़ आती है जिससे ये जब आप कंफ्यूज होते हो तब आपको हेल्पफुल होगा और अगर आप यहाँ पर ये अटैक वगैरह में मैंने किसी पर भी क्लिक नहीं किया है अगर मैं यहाँ पर यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टेटस इफेक्ट है एक्वाफ इज कन्फ्यूज यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होगा तो बताएगा ठीक है आपको एच प्रेस करने से तो हेल्थ बताना ही है 24 आउट ऑफ 40 हेल्थ ओह गॉड जब आप कंफ्यूज रहते हो तब कभी कभी आप अटैक तो आप कर पाओगे लेकिन कभी कभी खुद पर भी अटैक कर लोगे ठीक है जैसे मैं यूज करता हूँ देखा अभी मुझे मेरे पे अटैक नहीं हुआ लेकिन हो सकता है मेरे पे ओके सेव कर दूंगा
ठीक है, बैटल में जीत चुका हूँ। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट की तरफ ही आपको बढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक गाय मिलेगा आपको, ये वाला, ये देखिए, ये हील करने के लिए पूछ रहा है, तो यस। देखिए मेरे मैनोमोन फिर से हील हो गए हैं, तो मैं इसको सेव करूंगा बैक। और यार मुझे एलो चाहिए, एलो जो, इसको तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये गाइस जो आवाज है, ये बेंच की आवाज है, इट इज अ बेंच। ओके, यहाँ पर भी एक और गाय है। Always be sure to carry around some status curing items like antidotes and paralysis vaccines. Gentleman Alex says Alex sent out the warmer. इसने वार्मर को भेज दिया, कोई बात नहीं। इधर क्या मेरा टाइटल है? ओके, गुड, वेरी गुड। मुझ पे अटक नहीं किया तुमने, नहीं तो मेरी हेल्थ जाती। मेरी स्पीड भी इसने डिक्रीज कर दी वन स्टेज, कोई बात नहीं। मैं लेवल 13 में इंक्रीज हुआ हूँ। अब गाइस ये इलेक्ट्रिक टाइप मैनोमोन है, और इलेक्ट्रिक और वाटर का रिश्ता आपको पता है, इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप मैनोमोन वाटर टाइप मैनोमोन पे बहुत ही ज़्यादा और एडवांस इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे दी है, तो मैं टाइटल वेव इसके सामने यूज़ करूँगा। अब यार इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ मत करना। वाओ, सेकंड टाइम मुझे चांस मिल गया। ओके, अब मैं फिर से हीलिंग के लिए जाऊंगा पहले, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक ने मेरी बैंड बजा दी है। अब गाइस मुझे एक्वा लेवल जो है 13 में इंक्रीज हो चुका है मेरा। अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ एक बार। चलिए फिर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। वो गए के पास मैं दूसरी बार गया था, मुझे हील करना था इसलिए। ओके गाइस, अब देख लेते हैं क्वाफ को लेवल 14 के लिए कितना पॉइंट चाहिए। आपको तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए भाई, कोई बात नहीं, हम लोग दिला देंगे आपको पॉइंट। मैं लेफ्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये फ्लायर है, एक साइन बोर्ड है, लेकिन उससे पहले ये मर्किट है जिसको मैंने डिफीट कर दिया। हाँ हाँ, ये एक साइन बोर्ड है, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं साइन बोर्ड मिलता है वैसा ही है। तो यहाँ पे बोले अगर आप सीधे जाएंगे तो आप हेजलडेल सिटी के लिए जाएंगे, ठीक है, तो मुझे वहीं पे जाना है, लेकिन मैं थोड़ा डाउन एरो से बैक आता हूँ। यहाँ पर एक गाय है, डाउन एरो से मैं बैक आ जाता हूँ। पहले तो यहाँ पर एक चेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, उससे पहले यह वर्मर मिल गया, अब मार्केट मिल गया। ये टेस्ट में तीन ऑर्ब मुझे मिले, ठीक है, तीन ऑर्ब सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक गाय है, उससे बात करेंगे। ओके, जब आपके पास एक स्टेडियम की होगी साथ में से, तब ये आपको पास करने लगा। ये गाइस ये साइन बोर्ड से नीचे की तरफ थोड़ा था, डाउन एरो से मैं गया था। अब ये साउंड बोर्ड साइन बोर्ड है, ओके, मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा, मुझे हेजलडेल जाना है। No problem. You just need some attacks. कोई बात नहीं, ऐसे मैं सीधा जा रहा हूँ ओपेरो से। ओह, चलता ही जा रहा हूँ। लेकिन ये म्यूजिक बहुत अच्छा है गाइस, क्या ख्याल है आपका, बताना जरूर कमेंट में। ओह, आजा भाई। ओके,
हम यहाँ पे एक और साइन बोर्ड है, उससे पहले हम लोग साइन बोर्ड की तरफ ना जाते हुए उससे अगेन साइन बोर्ड है गाइस लेफ्ट की तरफ, लेकिन हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई चेस्ट है, 100 गोल्ड मुझे मिली यहाँ पर। देखिए लेफ्ट राइट की तरफ एक चेस्ट है और जो साइन बोर्ड है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे साइन बोर्ड के पास जाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। डेजर्ट सिटी लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट तरफ से ही जा रहा हूँ। अब मुझे पूरा लेफ्ट तरफ का यूज़ करना है और जहाँ जहाँ डाउन एरो यूज़ करना होगा वहाँ पर मैं बोल दूँगा। ये मैनामोन को मैं छोड़ूंगा नहीं आज, आ जा, खत्म हो गया ये। ओके अब यहाँ से डाउन एरो से आपको जाना है, ठीक है। ये वॉल खत्म हो गया ऐसे डाउन एरो से। पूरा देखिए वॉल सब कुछ, अब यहाँ से वॉल ये डाउन एरो से खत्म हुआ। अब लेफ्ट एरो से फिर से जाना है लेफ्ट की तरफ। हम यहाँ पर खत्म कर दिया मैंने मैनामोन को। अब गाइस अब मुझे जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ हो गई है। मैंने कंट्रोल चीज़ को पॉज किया है, मतलब ये चीज़ को मैंने कंट्रोल प्रेस करके स्क्रीन रीड को स्टॉप किया। अब गाइस मेरा एक्वा जो है वो लेवल 14 में इंक्रीज हुआ। अब कुछ होगा देखना दोस्तों, मैं एंटर प्रेस करूँगा और नॉर्मल की तरह स्टार्ट नहीं होगा अब ये गेम, कुछ चेंजेस होंगे जो कि आपको देखने के बाद ही मैं समझाऊँगा क्या है ये। 38 ट्रेनिंग पॉइंट्स है, कोई बात नहीं। डिसेंडिंग चाइम नाम का मुझे स्पेल भी मिला है, ठीक है, यानी कि नया स्पेल मैं यूज कर सकता हूँ डिसेंडिंग चाइम। अपने थ्री गोल्ड अब एंटर प्रेस करूंगा, अब कुछ होगा देखना। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और कुछ होगा। अब फिर से मैंने वहां पर एंटर प्रेस किया तो ये म्यूजिक बज गया। ये क्या हुआ गाइस, पता है क्या किसी को? मुझे पता है, पहले सेव करता हूँ फिर बताता हूँ। पार्टी में आएंगे, देखिए यहाँ पर कभी आपको ऑफ आता था, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मनिंग क्यों आ रहा है? और भी पे क्लिक करेंगे उसकी तो आवाज भी बदल गई यार, ये तो बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई जायंट है। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ है ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये मैनामोन की एक पार्ट है, जैसे हम लोग की लाइफ में होती है, पहले हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें इसमें भी है। यानी कि एक ऑफ कोई भी मैनामोन या तो दो बार या तीन बार ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी क्रिएचर्स में, और यह सर्टन लेवल पर पहुँचने के बाद होता है या फिर कोई एक चीज़ मिलती है हम लोग को, सोलिड आइलस्टोन वगैरह मिलता है जो आपको बाद में पता चलेगा, वो सारी चीज़ें मिलती है और उसको भी छुआ है मैनामोन तो उससे मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो खैर बात की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से आपका एक्वाफ जो है वो लेवल 14 में आते ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। लेवल 14 को आपको लेना होगा तब ये ट्रांसफॉर्म होगा। ओके सो मेनी टेमर्स कैन नॉट कम्प्लीट, जो लोग नहीं कर सकते वही हम करते हैं भाई। लेफ्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ और अब यहाँ पर आगे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक वॉल है, आगे आता हूँ। ओके मुझे ये चाहिए था। ओह गॉड नो, अब यहाँ पर फिर से मैं आगे गया, फिर लेफ्ट की तरफ जाऊँगा। यार मुझे आलो चाहिए था, नहीं मिला। अब मैं लेफ्ट की तरफ जाने के बाद अब फिर से आगे जा रहा हूँ अबेरो से। यहाँ पर देखिए कनेक्शन बिटवीन एरियाज और हम लोग आ गए हैं फाइनली हेजलडेल सिटी में। जी हाँ दोस्तों, हेजलडेल सिटी में है और क्रैप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा हेजलडेल सिटी है ये और बहुत ही बड़ा सिटी है, इतना तो बड़ा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फिर भी सिटी है, एक सिटी कहने के लायक है क्योंकि पाँच छः हाउस है उसमें, कुछ पाँच छः हाउसेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइस तो हम लोग नाउ वी आर इन हेजलडेल, लेकिन मैं फिर से एमिका वुड्स में गया हूँ। क्यों गया हूँ? क्योंकि मुझे एलो चाहिए। अब ये एलो को ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसे ही मूवमेंट कर रहा हूँ गाइस, पहले कुछ देर लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ फिर राइट एरो, फिर लेफ्ट एरो फिर राइट एरो, जिससे मेरे स्टेप्स काउंट होते हैं और कुछ मुझे मैनामोन के अटैक आएंगे।
क्रैप हुआ गया। ये देखिए नया मूव है डिसोनेंट चाइम। इससे आपका जो है डिफेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, ये मूव यूज करने से। वही मूव है गाइस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वही चीजें है पूरी। तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इस यहाँ पर, क्योंकि मुझे मैनोमोन चाहिए कुछ। लेवल 14 का मेरे पास है ये। क्यों भाई मेरा सर खा रहा है, भागना इधर से। ये बेल पता नहीं कहाँ से आ गई है, क्योंकि मैं यूज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन टाइटल वेव के लिए मुझे ये यूज करना पता है, कभी कभी ये यूज हो जाता है। अब लेवल 4 जमाइनर वो भी आएगा अभी कुछ देर बाद आपके पास। यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहने से आपको मैनोमोन मिलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनोमोन होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं ऐसे घूमने से। मैंने पहले कहा था मैं ऑन स्क्रीन सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। टाइटल वेव खत्म। अब क्या हो सकता है इसका, ऐसे ही मैं घूम रहा हूँ गाइस। अभी भी कोई नया नहीं। ऐसे घूमने से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपके लेवल भी अप होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बट मुझे जो मैनोमोन चाहिए वो ऐसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ गाइस। मैंने सोचा आप सबके साथ ये साझा कर दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई मिलता है कि नहीं। ऐसे ही घूमने से आपको मिलेगा गाइस, एलो भी मिलेगा, या कौन मैनोमोन जमाइनर वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो घूमना है बस आपको सिंपल। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे घूमने से ही मिलता है मैनोमोन, बहुत मुश्किल मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती है, थक जाते हैं हम लोग ढूंढते हुए, बट मैं तो नहीं थकने वाला हूँ आज। कोई बात नहीं, आने दो, जितने भी आएंगे अपने ही लेवल इंक्रीज होंगे, हम लोग को ही फायदा है, ठीक है, सफाई लेने से। हम लोग सिटी तक पहुंच चुके हैं तो अपना काम हो चुका है, बस मैं ये मैनोमोन ढूंढ रहा हूँ और फिर हम लोग इस वीडियो को एंड की ओर ले जाएंगे, ठीक है, केसेस मिल जाए मुझे। ओह गॉड, वही के वही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे और घूमेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक घूमेंगे। आया भी तो मर के आया, इसका क्या करूंगा मैं, भाग जाए यहाँ से चल। लगता है आप लोगों को दिखाने के लिए आज आप है नहीं शायद, दिखा नहीं सकता हूँ शायद मैं आज आप लोगों को, फिर भी लास्ट ट्राई देख लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बोलूँगा मिला था कि नहीं मिला था मुझे। मैं खैर खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो मुझे खेलना पड़ेगा। जाने दो, अब हमें नहीं मिलेगा ये। ओके गाइस, मैं सिटी में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जो सिटी में लेफ्ट की तरफ मैं चलता हूँ, पहले अपर ऑपरेस करता हूँ। देखिए ऐसी आवाज़ आएगी ये कॉन्क्रीट टाइप की, उसके बाद आपको लेफ्ट ऑपरेस करना है। ये हाउस है, देखा ये माना होटल है, इसमें एक किड मेरे साथ टकराया। Sorry, I apologize. No, Rob guy, he replied enthusiastically. Say, you're a manamon tamer, aren't you? Yes, yes, I am, actually, I replied. Neato, he exclaimed. Can we have a battle? Actually, my manamon are exhausted, I said. I just finished traveling through the Amica woods. Oh, he said, sounding disappointed. Hey, but how about we have a battle after your rest up? यहाँ पर हमें एक और battle करना है. Cool, he said. I'll be waiting for you in the hotel. Okay, guys, मैं यहाँ पर माना होटल में मैंने मैनोमोन को help किया और अब यहाँ पर आया। अब गाइस आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, ठीक है, जो ये मैं कर रहा हूँ। पहले आपको माना होटल में आना ही पड़ेगा और उसके बाद ही मैं जो आगे के पार्ट में दिखाऊंगा वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। लेकिन ये डोर के ये एंटर और इससे राइट की तरफ दो स्टेप जाएंगे तो ये गाय है, इसके साथ आपको बैटल करना है, ठीक है।
चेकिंग कि मेरे दोनों मैनोमोन कौन से हैं, तो कौन गर्मज हो. ओके नो प्रॉब्लम. यस I presume you've heard of 2-on-2 battles? They are battles where you use two creatures simultaneously. There are also 3-on-3 battles, 4-on-4 battles, 5-on-5 battles, and 6-on-6 battles, I asked, interrupting him. He said. No, actually. 6-on-6 battles are known as full-hash party brawls. Anyway, I'm a big fan of 2-on-2 battles. Okay, so guys, ye ab tak hum log ke battles jo the, guys, what 1-on-1 the, theek hai? Yani ki ek minimum samne wali party ka hota tha, ek apna hota tha. Lekin hum log ko 6-on-6 battles bhi karne honge, aur hum log ko jo hai 5-on-5 battles तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 3-on-3 battles तो मैंने भी किए हैं बहुत टाइम. तो 3-on-3 तो बहुत टाइम होते हैं, लेकिन 4-on-4 और 5-on-5 बहुत कम मिलते हैं आपको देखने को. लेकिन 6-on-6 battles और 3-on-3, 2-on-2 ऐसे battles आपके होते रहेंगे. तो ये चीज़ें एक के साथ आपके पार्टी के दो मिनिमम आएंगे, ठीक है, और सामने वाले के भी दो होंगे. तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये दो भेज रहा है. फिस्ट एंड इगाला, इसने दो भेजे हैं. मेरे पास भी दो है, मैंने दोनों भेज दिया. गर्मलिन ऑफिस के ऊपर मैंने टाइटल वेव यूज किया. Focus does 5 damage. Focal use Sandy Rift. The focus attack will reduce by 1 stage. Use a move. Thicken. C-U-P-R-S. Thicken. देखिए, आप कोई भी अटैक सिलेक्ट करने के बाद पहले वहां पर अगर कोई स्क्रीन होती थी तो डायरेक्ट अटैक हो जाता, लेकिन यहां पर पूछता है आपको किसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है. Focus, तो मैं फिस के ऊपर अटैक करता हूं. क्रैप, मर जा. खत्म हो गया ये. अब वहाँ पर ऐसा नहीं पूछेगा आपको इसके ऊपर टिकाना है, क्योंकि अब एक ही मेनोमोन बचा है, ठीक है. इसलिए तो इसका एआई बहुत स्मार्ट है. फिर से मैं टैकल देता हूँ. Manamon Tamer Yavin defeated. That's some serious skill guy. I'll have to train and tame my Manamon further before I can obtain 67 gold. Hey guy, you were good at 2-on-2 battles. If I ever see you again, I'd like to try a 3-on-3 battle. Guess I probably need to capture some more. Okay guys, so I have all Manamon completely healed. Here is a guy. He is stadium leader. Having this experience makes me very good at judging how strong Manamon were born. यहाँ पर आपको क्या उसको अपना मेनोमोन दिखाना है. यस, ब्रिलियंट. नाउ टेल मी व्हिच मेनोमोन यू वांट मी टू लुक एट. मैं आपको मेनोमोन सिलेक्ट करना है. मैं गर्मन सिलेक्ट करूंगा. लेट्स सी हियर. गर्मरीन स्टेल सीम्स रीजनेबल. आई सेड इट्स क्लोजर टू बीइंग ग्रेट देन नॉट. गर्मरीन स्ट्रेंथ सीम्स फेयरली अंडर डेवलप्ड. गर्मरीन डिफेंस सीम्स रिमार्केबल नियर परफेक्ट एंड डेफिनेटली वन ऑफ गर्मरीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. गर्मरीन मैजिक अटैक सीम्स रिमार्केबल नियर परफेक्ट एंड डेफिनेटली वन ऑफ गर्मरीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. गर्मरीन मैजिक डिफेंस सीम्स रीजनेबल बट अ बिट लैकिंग. गर्मरीन स्पीड सीम्स रिमार्केबल नियर परफेक्ट एंड डेफिनेटली वन ऑफ गर्मरीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. थैंक्स फॉर शोइंग ऑफ योर गर्मरीन. ओके गाइस.